ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में हासिल हो सकती है और इन दोनों महीनों की समयावधि में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। उपाय के दौरान हम सिंह राशि वाले जातकों को दो ऐसी बातों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जीवन में जरूर करनी चाहिए और दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सावधानी, ये कारण, ये कमियां सिंह राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद हैं, जो सावधानी के रूप में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि के जातकों, इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ग्रहों की सकारात्मकता और ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आधारित है। और हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है। जी हाँ, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो यदि आप इस राशिफल को समय के पूर्व देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आने वाले समय की कई प्रकार की समस्याओं से आप बच सकते हैं और प्लानिंग करके अपने जीवन को आने वाले समय में आप बेहतर बना सकते हैं। तो इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि ग्रहों की गोचरी स्थितियां इन दोनों महीनों में कैसी बनी हुई रहने वाली है। दर्शकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो 14 अप्रैल तक आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं, बुध के साथ गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर मौजूद होंगे और उच्च के हो जाएंगे। हालांकि राहुदेव के साथ इनका ग्रहण योग भी बनने वाला है। अप्रैल और मई की समयावधि में मंगलदेव आपके राशि में अप्रैल की शुरुआत से लेकर 9 मई तक आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात मंगलदेव आपके व्यय भाव पर चले जाएंगे। शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी होकर मूल त्रिकोणस्थ होकर इन दोनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके पराक्रम भाव पर, राहुदेव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करेंगे और 12 वर्षों के पश्चात गुरु का राशि परिवर्तन अप्रैल के ही महीने में होने वाला है। अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात गुरु आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर राशि के नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन दोनों महीनों की समयावधि में निकलकर सामने आ रही है। गुरु का जब राशि परिवर्तन होगा तो गुरु की उपस्थिति राहु के साथ नवम भाव पर बनेगी, जिससे चांडाल योग का निर्माण भी होने वाला है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों महीने किस प्रकार की संभावना निर्मित कर रहे हैं। देखिए, आपके राशि के कर्म भाव के बारे में अगर जानकारी दिया जाए, देखिए दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव 6 अप्रैल तक राशि के नवम भाव पर गोचर करेंगे।
उसके पश्चात आपके दशम भाव पर स्वराशिगत होकर माल्यव्य नाम का राजयोग अगले एक महीने के लिए निर्मित कर रहे हैं। तो अप्रैल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष उपलब्धि सिंह राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि सिंह राशि के जातकों को जीवन में परिश्रम पूर्वक भी चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सही डायरेक्शन में सही दिशा निर्देश के साथ कर्म करते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन के अवसर इन दोनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी 22 तारीख के पश्चात भाग्य भाव पर बनेगी तो व्यापारिक उपलब्धि और व्यापारिक सफलता आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। व्यापारिक नवीनीकरण आपके जीवन में होगा। विदेशों से यदि आपका संपर्क है तो विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस समय अंतराल में क्रिएटिव फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में यदि अगर आपको धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध की कंडीशन राशि के नवम भाव पर बनने वाली है। 31 मार्च से ही बुध आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। यहां पर आपके लिए लाभ भाव के स्वामी मंगल देव की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है, क्योंकि लाभ भाव पर मंगल का प्रभाव 9 मई तक बना हुआ रहने वाला है। तो आर्थिक जीवन के मामले में यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठता दिखाई दे रही है। दोनों महीनों की समयावधि में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि ऋण लेने और ऋण देने से आपको अप्रैल के 15 तारीख के पश्चात बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में यदि आप निवेश करते हैं तो पर्याप्त सफलता की संभावना आपके जीवन में बन सकती है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में निकलकर सामने आ रही है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए इन दोनों महीनों की समयावधि में राशि के चतुर्थ भाव पर जिसे पारिवारिक सुखों का विचार किया जाता है शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है और मंगल की स्थिति 11th हाउस पर बनी हुई है। तो पारिवारिक संबंधों में दोनों महीनों में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। राशि स्वामी सूर्यदेव 15 अप्रैल के पश्चात राहु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे। अनावश्यक बहस से सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक संबंधों में बचना चाहिए। घर में यदि किसी प्रकार की कलह पूर्वक स्थिति निर्मित हो रही है तो उसे आप अपनी सूझबूझ के द्वारा सुलझाने का प्रयास जीवन में इन महीनों में करें तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 22 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है और राशि स्वामी काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर इन दोनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप विदेशों में जाकर दाखिला लेना चाहते हैं या अध्ययन के क्षेत्र में दूरस्थ स्थान पर अपने घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं तो स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए खास बात का यह ध्यान रखना चाहिए, नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ नकारात्मक माहौल में अपने आप को रखने से बचें। 22 अप्रैल के पश्चात ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के पंचम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में सूर्यदेव की कंडीशन 15 तारीख के पश्चात राहु के साथ निर्मित हो रही है। तो प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल का महीना आपके लिए मिलाजुला रहेगा। मई के महीने में आपके जीवन में संभावना रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ और बेहतरीन दिखाई दे रही है। 15 अप्रैल के पश्चात आपको प्रेम संबंधों में वे वजह की बहस देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए आपको समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है।
वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव से ही वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। देखिए सप्तम भाव पर शनिदेव स्वराशिगत होकर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और हंस नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। सातवें भाव पर शनिदेव की उपस्थिति और सूर्यदेव की बेहतर कंडीशन ये इशारा कर रही है कि वैवाहिक संबंधों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसमें किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव पर राहु के साथ गोचर करेंगे और राहु गुरु दोनों का प्रभाव आपके लगन भाव पर 22 तारीख के पश्चात बन रहा है। तो यदि आप दांपत्य संबंधों में जुड़े हुए हैं तो रिश्तों में आपको पारदर्शिता का भाव बनाकर चलना चाहिए। पार्टनर के साथ किसी प्रकार का छल कपट का भाव रखकर यदि आप चलते हैं तो स्थिति आपके जीवन में मई के महीने में वैवाहिक संबंधों में नकारात्मक बन सकती है। उसके साथ साथ संतान की प्रगति और उन्नति होने की प्रबल संभावना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसा जाता है जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है उनके लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल में यदि आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों सूर्यदेव राशि के नवम भाव पर 14 अप्रैल के पश्चात उच्च के होकर गोचर करेंगे। दोनों महीनों में शनिदेव आपके राशि के लगन भाव को देख रहे हैं। देखिए बृहस्पति की स्थिति भी काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि अप्रैल के महीने में शुरुआती समय में आपको 15 दिनों तक सेहत के मामले में सावधान रहना चाहिए। उसके पश्चात राशि स्वामी की स्थिति काफी बेहतर है तो 15 अप्रैल से लेकर मई के अंतिम तक सेहत के मामले में ज्यादा गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सिंह राशि के जातकों को केवल एक खास बात का ध्यान यह रखना चाहिए कि खुद को व्यस्त रखने का प्रयास जरूर करें और प्रत्येक दिन यदि आप बेहतर स्थिति सेहत के मामले में निर्मित करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरुआती 15 अप्रैल तक की समयावधि में सेहत को बेहतर रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को जीवन में संतुलित भोज्य पदार्थों पर भी जीवन में ध्यान देकर चलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति सेहत के मामले में न निर्मित हो, मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको दूरी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले सिंह राशि के जातकों को दो नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो सिंह राशि वाले जातकों के अंदर असफलता का कारण जीवन में बनती है। तो उसका सर्वप्रथम कारण है कि सिंह राशि वाले जातकों के वाणी में काफी ज्यादा आवेग होता है, खुली बोली होती है, जिसकी वजह से जीवन में सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं जिसे सामने वाला व्यक्ति इनका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। तो यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो वाणी में आपको ध्यान देना चाहिए और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। तो सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्रोध पूर्वक, आवेग पूर्वक स्थिति को लेकर यदि आप वार्तालाप करते हैं तो बातों ही बातों में आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं जिससे जीवन में आपको संबंधों में खराबियां देखने के लिए मिलती है। तो व्यर्थ की बातों को जीवन में व्यक्त करने से बचना चाहिए, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी खास बात सिंह राशि वाले जातकों के अंदर नकारात्मक ये देखने के लिए मिलती है कि जीवन में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती सिंह राशि के जातक करते हैं। देखिए आत्मविश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर परम आवश्यक है, लेकिन जब अति आत्मविश्वास होता है तो व्यक्ति के अंदर मन मौजी स्वभाव निर्मित हो जाता है। तो सिंह राशि के जातकों जिस जीवन में हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है
इसलिए अपने जीवन में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो अपने से अनुभवी व्यक्तियों के रायों को यदि आप लेते हैं, मानते हैं, तो आपके जीवन में श्रेष्ठता ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने दिनचर्या में से अपने आप के लिए समय निकालें और कुछ समय एकांत में बिताएं, स्वयं से बातें करें और बेहतर इंसान अपने आप को बनाने के लिए जीवन शैली को सुधार कर जरूर चलें। इसके लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करना परम आवश्यक है। दूसरा, सिंह राशि के जातकों को जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो स्वयं पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है। किसी प्रकार का लक्ष्य यदि आप जीवन में बनाए हुए हैं उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सकारात्मक भावों और विचारों के साथ आत्मविश्वास बनाकर अपने ऊपर चलते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति यदि आपके जीवन में आ भी रही है तो उसका डटकर आप मुकाबला कर सकते हैं और सफलता भी जीवन में अर्जित कर सकते हैं। तो ये आपको जीवन में ध्यान देना चाहिए तो किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो देखिए, रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य जेब को जल अर्घ देना, जलाभिषेक करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में और भी बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों, लगन पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है, जिससे यदि आप नियमित सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाली है। तीसरा उपाय, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें, गायों को गुड़ और दलिया जरूर डालें। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।